बिहार के आरा से एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसको लेकर के सरकार, सिस्टम और समाज तीनों सवाल के कटघरे में खड़े हो गए हैं। आज़ादी के सालों बीत जाने के बाद भी महिलाओं को सशक्त बनाने के दावे की असली हकीकत शादी समारोह या किसी और उत्सव में साफ तौर पर नजर आ जाती है। खासकर ये बिहार में तब जबकि सरकार ने महिलाओं को लेकर काफ़ी अपनी सजगता दिखाई है और आरक्षण से संबंधित महिलाओं को सुविधा भी बहुत सारी दी जा रही है, और ऐसे में एक महिला को पिंजड़े में बंद करके लोग अपना मनोरंजन करें, यह कहीं से उचित नहीं है, घोर अमानवीय है, इसका ऐसा नहीं होना चाहिए। और सरकार को और ख़ासकर मेरी रिक्वेस्ट है आम जनता से कि ऐसा ये बिल्कुल ना करें, यह कहीं से उचित नहीं है और सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए। आरा में पिंजरे में कैद कर बुलबुल को नचाने का काम सरकारी सिस्टम के नाक के नीचे खुलेआम चुनौतियां हैं। ये तस्वीरें वाकई चौंकाने वाली होती है। जिस देश में जानवरों को कैद करने की इजाजत नहीं है, उस देश में महिलाओं और युवतियों को कैद कर नचाया जाना कहीं न कहीं मानवता को पूरी तरह से शर्मसार कर रहा है। दरअसल आरा जिले के कोलवर से एक ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आई है जिसमें एक शादी समारोह में पहुंचे बाराती अश्लील गानों पर पिंजरे में मौजूद नृतकियों के साथ डांस कर रहे हैं, खुलेआम लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हैं और कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाती। ये तस्वीर कोलवर के वार्ड संख्या 10 की है, जहाँ सोमवार देर रात शादी समारोह में ग्रामीण इकट्ठा हुए थे और पिंजरे में नृतकी डांस कर रही थी। बताया जा रहा है कि पिंजरे में डांस कर रही इन नृतकियों को 4,000 रुपए एक दिन का दिया जाता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही सरकारी सिस्टम और समाज सभी पर सवाल उठने लगे हैं। देखिए, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी खबरें जो हैं वो हमें मिली हैं और उसको संज्ञान में हमने लिया है। अभी स्थानीय थाना प्रभारी से भी हम लोग इस मुद्दा पे बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि अगर इस तरह का कोई घटना घटी है तो उसकी जांच कराई जाएगी और निश्चित रूप से अगर मामला संज्ञान में आता और सत्य पाया जाता है तो कार्रवाई भी होगी, नियम संगत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और जो भी घटना देखने को मिल रही है, जो सोशल मीडिया पे उसमें जो दिखाया जा रहा है, निश्चित रूप से वो कहीं से भी उचित और मानवीय नहीं है। इस प्रकार से लॉकडाउन का उल्लंघन भी हुआ है और साथ ही साथ बार वालाओं का एक तरह से जो डांस उसमें दिखाया जा रहा है जो भी, वो पूरी तरीके से गलत है। उसको हम लोग जाँच करवा के और नियम संगत कानूनी कार्रवाई जरूर होगी उनके। वही वायरल वीडियो के बाद स्थानीय प्रशासन नींद से जागी और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जबकि पैसे के लिए स्टेज और पिंजरा कैद होने वाली नृतकियों का कहना है कि लॉकडाउन में पापी पेट को पालने के लिए उन्हें यह सब कुछ करना पड़ता है। लॉकडाउन लग गया, हम बैठे हैं, खाने के लिए भी दिक्कत हो रहा है, डांस करने के लिए भी दिक्कत हो रहा है, काम नहीं मिलता है, क्या करें हम लॉकडाउन पे। बहरहाल मामला चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जानवरों की तर्ज पर महिलाओं और युवतियों को इस तरह पिंजरे में कैद करना चाहना देश और समाज दोनों को कलंकित कर रहा है।